दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, बार बार देखा गया है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक की जेल को मुकदमे के बिना सजा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ जेल के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी खुश है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मनीष सिसोदिया जेल के बाहर अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का विशेष आभार जताया और कहा कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सुबह जब से ये आदेश आया है मेरा रोम रोम बाबा साहेब का अरणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब का ये आरण कैसे चुकाऊंगा। सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के घर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मिले। कल वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जा सकते हैं। आपको बता दें, सिसोदिया को सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ईडी ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति अरणी महसूस कर रहा हूं। हमने इस कानूनी लड़ाई को संवैधानिक रूप से उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभारी हूं, जिसने तानाशाही पर कड़ा प्रहार करने के लिए संविधान की ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत के बलबूते जमानत मिली है, इसी ताकत से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई भी सुनिश्चित होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने को बड़ी जीत बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि हम इसे बड़ी जीत की तरह देखते हैं। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, बल्कि यह इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया आज का फैसला गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा कि इस तरीके से तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया पहले सीएम केजरीवाल के आवास पर जाएंगे, ओआरआर फिर अपने घर जाएंगे। वो कल राजघाट जाएंगे। इससे पहले संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूर्व दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 18 महीनों बाद 8 से 9 प्रयास करने के बाद उन्हें जमानत मिली है और वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर। उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया है। उन्हें हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाना होगा और रिपोर्ट करना होगा। हर्ष मल्होत्रा ने आगे कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सेलिब्रेट कर रही है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल खुद शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।